दोस्तों हाल ही में मैंने इमेजिनरी नामक एक अमेरिकन हॉरर फिल्म देखा है जिसे जेफ वार्डलो डायरेक्ट करे हैं। आईएमडीबी पे इस फिल्म को मिले हैं 4.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 23% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 56%। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम जेसिका नामक औरत को देखते हैं जो कि एक छोटे डोर से बाहर निकलती है जिसपे एक स्माइली स्टिकर था। जेसिका को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी से दूर भाग रही है और घर के दीवार पे कुछ टेक्स्ट लिखे थे लाइक समथिंग टू पेंट, समथिंग टू बर्न वगैरह वगैरह। घर में जेसिका को एक लहूलुहान प्लायर दिखता है जिससे कोई अपने दांत निकाल लिया था और इसके ठीक बाद एकदम से जेसिका के पिता वहां आते हैं और उनका बर्ताव बहुत ही अजीब था। हम देख पाते हैं कि जेसिका के पिता की एक दांत गायब थी, यानी वही खुद से अपने दांत निकाले होंगे और उनकी आंख भी थोड़ी वाइटिश थी। जेसिका यहां भागने लगती है और उसके पिता शायद एक मॉन्स्टर स्पाइडर में तब्दील हो जाते हैं और जेसिका का पीछा करने लगते हैं। अब इससे पहले यह ह्यूज स्पाइडर जेसिका पे हमला करता, जेसिका की नींद खुल जाती है और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि दिस वॉज जस्ट अ नाइटमेयर। अब इस पॉइंट पे हम जेसिका के बारे में कुछ बातें जान पाते हैं, जैसे कि जेसिका बच्चों की किताबें बनाती है, वो होती ना जिसमें क्यूट कार्टून ड्राइंग्स एंड स्टोरीज होती हैं, वैसा ही कुछ। फिलहाल जेसिका मैक्स नामक इंसान को डेट कर रही है जो कि एक म्यूजिशियन है और मैक्स को अपनी पिछली बीवी से दो बेटियां हैं। छोटी बेटी का नाम एलिस है और बड़ी बेटी का नाम टेलर, एंड देखा जाए तो जेसिका अब इनकी स्टेप मदर हुई। नाउ जेसिका और मैक्स की बातों से हम समझ पाते हैं कि आजकल जेसिका को यह स्पाइडर वाली नाइटमेयर काफी आने लग गई है और इसीलिए ये लोग जेसिका के चाइल्डहुड होम में मूव करने का प्लान करते हैं क्योंकि वो जगह जेसिका को बहुत पसंद थी। नाउ पसंदीदा जगह होने से शायद अच्छी नींद भी आएगी और नाइटमेयर्स भी रुक जाएंगे। तो इस पॉइंट पे फिल्म का इंट्रो आता है जहां कुछ क्लिप्स के थ्रू हमें जेसिका के बचपन को दिखाया जाता है। हम समझ पाते हैं कि 5 साल की उम्र तक जेसिका अपने उस घर में रही थी जिसके बाद किन्हीं कारणों की वजह से उसे वो घर छोड़ना पड़ा था। अब रीजन एग्जैक्टली क्या थी ये आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। तो नेक्स्ट सीन में पूरी फैमिली जेसिका के ओल्ड हाउस में शिफ्ट कर जाती है और हम देख पाते हैं कि घर की दीवारों पे काफी ड्रॉइंग्स थी। जाहिर सी बात है कि जेसिका बचपन से ही ड्राइंग्स में इंटरेस्टेड थी और वो वॉल्स पे ही ड्रॉ कर दिया करती थी और एलिस इन ड्राइंग्स को देख के इसे काफी प्रभावित थी। यहाँ हम एलिस के हाथ में बर्न स्कार्स देख पाते हैं, विच सजेस्ट्स कि किसी एक्सीडेंट के दौरान एलिस के हाथ जल गए थे और इसीलिए एलिस अब आग से डरती है। वहीं टेलर की बात की जाए तो वो एक टीनेजर है और एक टिपिकल टीनेजर की तरह वो जेसिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब एक बार जब एलिस जेसिका के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है तो एलिस को कुछ आवाज सुनाई देती है। इस आवाज का पीछा करके एलिस बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां हम एक छोटा डोर देखते हैं जिसपे वही पहली सीन वाली स्माइली स्टिकर थी। इस डोर को खोलने पे एलिस को एक टेडी बियर मिलती है और एलिस इस टेडी बियर से बात करने लगती है। अब हालांकि हम व्यूअर्स टेडी बियर की आवाज नहीं सुन पाते, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एलिस समहाउ इस टेडी बियर से बात कर पा रही है जो कि अपना नाम चौंसी बताया है। तो आगे के सीन्स में एलिस चौंसी के साथ ही अपना समय बिताने लगती है और पेरेंट्स को लगता है कि आम बच्चे की तरह एलिस अपनी एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाई है जिसे वो चौंसी नाम दी है। एलिस बार बार कहती थी कि चौंसी को बहुत भूख लगती है। नाउ आगे एलिस चौंसी के साथ स्कैवेंजर हंट खेलने लग जाती है जहां एलिस एक लिस्ट बनाई थी। ये लिस्ट चौंसी ही बनवाया था और एलिस लिस्ट के हिसाब से सामान कलेक्ट कर रही थी। फिलहाल एलिस को समथिंग हैप्पी चाहिए था और जेसिका एक बॉल पे स्माइली फेस बना के एलिस को दे देती है। अब उस रात जेसिका को बेसमेंट में वही बॉल मिलती है जिसपे हैप्पी की जगह सैड फेस बनी हुई थी, विच वॉज वियर्ड। इसके बाद जेसिका एलिस के कमरे में जाती है जहाँ एलिस चौंसी के साथ काइंड ऑफ टी पार्टी कर रही थी, लेकिन सडनली जेसिका को वहाँ एक और औरत दिखती है। ये औरत एकदम से दौड़ के जेसिका को धक्का देती है जिससे
जेसिका काफी डर जाती है। हम जान पाते हैं कि ये औरत असल में टेलर और एलिस की रियल मॉम थी, जिनका नाम समैंथा था। समैंथा मोस्टली मेंटली अनस्टेबल थी और वो इस जगह पे ये बोलते हुए पहुंच गई थी कि उसे अपनी बेटी को बचाना है। अब समैंथा को इस नए घर का पता कैसे मिला? वेल, टेलर उनके साथ टेक्स्ट कर रही थी और वही उन्हें सब कुछ बता दी थी। जो भी हो, इस घटना के ठीक बाद पुलिस आके समैंथा को वापस ले जाती है एंड थिंग्स वर बैक टू नॉर्मल। नाउ आगे चौंसी और एलिस की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी, विच वॉज नॉट नॉर्मल एनीमोर। और हम व्यूअर्स तो चौंसी को एलिस जैसे ही आवाज निकालते और मूव करते भी देख पाते हैं। इसके साथ ही एलिस का वो स्कैवेंजर हंट भी चल ही रहा था, जहां लिस्ट के हिसाब से एलिस जेसिका से एक पेंट ब्रश लेती है। नाउ मैक्स को एक म्यूजिक टूर पे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है, यानी जेसिका को ही एलिस और टेलर का ख्याल रखना था फॉर फ्यू डेज। जेसिका यहाँ ग्लोरिया नाम की ओल्ड लेडी से भी मिलती है, जिनका कहना था कि वो जेसिका की बेबी सीटर हुआ करती थी व्हेन जेसिका वाज 5 इयर्स ओल्ड। हम ये भी जान पाते हैं कि ग्लोरिया भी खुद राइटर है, ऑल्दो वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे लिखती है एंड सेल्फ पब्लिश करती है। अब ग्लोरिया यहाँ एक अजीब बात रिवील करती है, विच वॉज कि जेसिका जब 5 साल की थी तो वो भी एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाई थी, जिसके साथ जेसिका हमेशा खेलती थी। खैर, अब आगे की सीन में जेसिका अपने डैड को विजिट करने जाती है, जो कि असिस्टेड लिविंग कम्युनिटी में थे, यानी कि वो मेंटली स्टेबल नहीं थे और वो नर्सेस के देखरेख में थे। यहाँ जेसिका अपने पिता की हालत देखकर इमोशनल होती है और वो सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी हस्ती खेलती फैमिली एकदम से बर्बाद हो गई। हम समझ पाते हैं कि जेसिका की माँ तो कैंसर की वजह से मारी गई थी व्हेन जेसिका वाज 5 इयर्स ओल्ड, और उस घटना के बाद से ही डैड भी अजीब बिहेव करने लगे थे एंड इन द एंड वो मेंटली अनस्टेबल हो गए, जिस वजह से जेसिका को उनसे अलग कर दिया गया था। तो हाँ, 5 साल की उम्र के बाद ही जेसिका उस घर को छोड़ दी थी और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही पली बढ़ी। नाउ इस पॉइंट पे डैड की आंखें एकदम से खुलती है और वो जेसिका से अग्रेसिवली कहने लगते हैं, किसी भी से बात मत करो, कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता, तुम गायब हो गई थी, वगैरह वगैरह। तभी नर्स आके डैड को कंट्रोल करती है और जेसिका यहाँ से निकल लेती है, क्योंकि जेसिका को लगता है कि उसके पापा अपने आपे में ही नहीं है। वहीं घर पे जेसिका के एब्सेंस में हम एलिस को कुछ बग्स पकड़ते देखते हैं। बग्स क्यों? क्योंकि एलिस को बग्स वगैरह से डर लगता था और स्कैवेंजर हंट के लिस्ट के मुताबिक एलिस को कुछ ऐसा करना था जिससे वो डरती है। नाउ टेलर देखती है कि एलिस बिजी है और जेसिका घर पे नहीं है, इसलिए वो अपने नेबर टीनेज बॉय लियाम को घर पे बुलाती है। नाउ लियाम बिगड़ा हुआ लड़का था, जो कि घर में आते एलिस को चिढ़ाता है, उसके सामानों को छेड़ता है, देन सब कुछ इधर उधर कर रहा था। वो टेलर को नशीले टैबलेट्स भी ऑफर करता है, लेकिन टेलर मना कर देती है। अब जब लियाम घर में कुछ म्यूजिक वाले खिलौने और एलिस के दूसरे सामान वगैरह को छेड़ रहा था, तो उसे एलिस की डरावनी आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रही थी कि हैंड्स ऑफ माय स्टफ। इतना ही नहीं, लियाम को घर में चौंसी हॉन्ट करता है और एक पॉइंट पे तो चौंसी बड़ा सा डरावना बियर बन के लियाम पे अटैक करता है। इससे लियाम चीखता है और टेलर वहां आ जाती है। दोस्तों, सिर्फ टेलर ही नहीं आती, बल्कि जेसिका भी अब तक घर आ गई थी और वो लियाम को यहाँ पाके उसकी मॉम को कंप्लेन कर देती है। खैर, इस घटना के बाद जेसिका पाती है कि उसकी पेंटिंग के कैरेक्टर हेड्स को कोई फाड़ दिया था और जेसिका समझ जाती है कि ये काम एलिस का होगा। जेसिका एलिस से उसके कमरे में बातें करती है, ओनली टू रियलाइज कि ब्लैंकेट के अंदर चौंसी है, एलिस नहीं। एलिस तो बाहर गार्डन में कुछ तो कर रही थी और इस पॉइंट पे जेसिका एलिस का वो स्कैवेंजर हंट वाला लिस्ट चेक करती है। इस लिस्ट में कुछ वियर्ड चीजें लिखी थी, लाइक समथिंग दैट स्केयर्स यू, जिसके लिए एलिस बग्स पकड़ी थी, देन समथिंग दैट वुड गेट यू इन बिग ट्रबल, जिसके लिए एलिस पेंटिंग्स फाड़ी, देन समथिंग दैट मेक्स यू मैड, एंड फाइनली समथिंग दैट हर्ट्स। यहां हम कमरे के बाहर एक एंटिटी को भी देख पाते हैं और इस लिस्ट से क्लियर था कि चौंसी एलिस को हर्ट करना चाह रहा था। बाहर हम देख पाते हैं कि एलिस एक रस्टेड नेल पे अपना हाथ मारने वाली थी खुद को चोट पहुंचाने के लिए, और एन वक्त पे जेसिका आके नेल हटा देती है, ऑल्दो इस नेल से एलिस को थोड़ा सा स्क्रैच जरूर लग जाता है। अब जेसिका के लिए पानी सर से ऊपर चला गया था, इसलिए वो सीधा डॉक्टर सोटो को घर पे बुलाती है, जो कि एलिस से बात करने के लिए रेडी होती है। तो डॉक्टर सोटो एलिस का एक प्राइवेट सेशन होता है, जहां एलिस पहले तो चौंसी को लाती है, देन एलिस डॉक्टर के कहने पे चौंसी को कन्फ्रंट करने लगती है कि चौंसी अच्छा फ्रेंड नहीं है। इससे चौंसी गुस्सा होता है और हम एलिस की ही गुस्से वाली आवाज सुन पाते हैं, जो कि सपोजेडली चौंसी की थी। जी हाँ दोस्तों, एलिस पहले तो अपनी नॉर्मल आवाज में चौंसी से लड़ती, देन एलिस की गुस्से वाली आवाज बाहर निकालती, जो कि सपोजेडली चौंसी का रिप्लाई होता था। यहाँ चौंसी जेसिका को फेक एंड मीन कह रहा था, देन वो डॉक्टर को बुरा भला कहता है एंड फाइनली कहता है
है कि वो एलिस को कभी नहीं छोड़ेगा, नेवर एवर लेके जाएगा, नेवर एवर बार बार बोलता है। डॉक्टर सोटो क्लियरली देख पाती है कि चौंसी वाली आवाज भले एलिस जैसी साउंड कर रही थी लेकिन वो आवाज एलिस नहीं निकाल रही थी। इस पॉइंट पे एलिस रोते हुए कमरे से बाहर भाग जाती है और ऐसे में डॉक्टर सोटो जेसिका से बात करती है। डॉक्टर सोटो बताती है कि एलिस का पैराकोसम केस है। पैराकोसम बोले तो ऐसी कंडीशन जहां लोग इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते हैं। अब भले ये केस कॉमन है लेकिन एलिस के केस में कुछ तो अजीब है, क्योंकि डॉक्टर सोटो क्लियरली दो आवाजें सुनी थी। और क्योंकि एलिस को वेंट्रिलोक्विज्म नहीं आता, यानी वो टेक्निक जहां लोग बिना होंठ हिलाए एक दूसरी आवाज निकाल पाते हैं, तो ऐसे में बिना लिप्स को मूव किए एलिस दूसरी आवाज कैसे निकाल पा रही थी। यहां डॉक्टर सोटो ये भी डिस्कवर करती है कि एलिस का टेडी बियर चौंसी सिर्फ और सिर्फ एलिस और जेसिका को दिखता है। जी हाँ दोस्तों, टेलर या फिर इवन डॉक्टर सोटो इस बियर को नहीं देखी है और कैमरा में भी कोई बियर कैप्चर नहीं हुआ था। उनके हिसाब से तो एलिस ऐसे एक्ट करती है मानो उसके हाथ में एक बियर है लेकिन असल में कुछ होता नहीं, जबकि एलिस और जेसिका को यह टेडी बियर क्लियरली दिखती है। डॉक्टर सोटो यहाँ जेसिका को अपने एक और चाइल्ड पेशेंट लुइस की वीडियो दिखाती है जो कि 10 साल पहले का केस था। एंड दिस वाज द सेम केस एज एलिस। वो भी नेवर एवर फ्रेज का यूज करता था और उसके इमेजिनरी फ्रेंड का नाम रैंडी रैबिट था। नाउ उस केस में एक हफ्ते बाद लुइस एकदम से गायब हो गया था और वो कभी वापस नहीं मिला। तो ये सब सुनकर जेसिका काफी डर जाती है और वो बेसमेंट में अपने चाइल्डहुड स्टफ्स को चेक करती है। वहां जेसिका को अपनी बचपन वाली ड्रॉइंग्स मिलती है जिसमें भी नेवर एवर लिखा हुआ था। इनफैक्ट इन ड्रॉइंग्स के बीच जेसिका टेडी बियर्स भी ड्रॉ करी थी, डिपिक्टिंग कि जेसिका का भी बचपन में इमेजिनरी फ्रेंड था जो कि शायद चौंसी ही था। वहीं दूसरी तरफ चौंसी एलिस को भड़का के बेसमेंट में एक जगह पे ले जाता है जहां एलिस के पास वो सारा सामान था जो कि चौंसी उससे स्कैवेंजर हंट करवा के इकट्ठा किया था। देन चौंसी एलिस को आग लगाने कहता है, काइंड ऑफ लाइक ए रिचुअल विद दीज थिंग्स। लेकिन एलिस तो आग से डरती थी इसलिए चौंसी एलिस को आग लगाने में मदद करता है, जिसके बाद एलिस एकदम से गायब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई दरवाजा खुला हो एक दूसरे रेल्म के लिए, जिसके थ्रू चौंसी एलिस को कहीं तो लेके चला गया, शायद नेवर एवर में। इस पॉइंट पे जेसिका और टेलर को रियलाइज होता है कि एलिस गायब है और ये दोनों एलिस को ढूंढना शुरू करते हैं। जेसिका को लगने लगा था कि ये काम चौंसी का है और शायद बचपन में जेसिका भी इसी तरह गायब हुई थी, तभी तो उसके पिता कह रहे थे कि तुम गायब हो गई थी वगैरह वगैरह। नाउ ऑफ कोर्स टेलर इन बातों को नहीं मानती और वो अकेले स्ट्रीट्स पे एलिस को ढूंढने लगती है। यहाँ टेलर की मुलाकात ग्लोरिया से होती है जो कि टेलर को काफी कुछ बताती है। ग्लोरिया रिवील करती है कि जेसिका जब बच्ची थी तो वो हमेशा कहती थी कि शी इज गोइंग टू टेक अ ट्रिप। ऑफ कोर्स वो शायद चौंसी के साथ कहीं जाने की बात करती थी। जेसिका कुछ ड्रॉइंग्स करती थी, देन वॉल्स पे वही लिस्ट्स लिखती थी जो कि फिलहाल एलिस लिखी थी फॉर हर स्कैवेंजर हंट। हम क्लियरली देख पाते हैं कि घर के वॉल पे सी भी लिखा था जो कि शॉर्ट फॉर्म था फॉर चौंसी बियर, और इसीलिए शायद जेसिका के पापा उसे पूछ रहे थे कि तुम सीबी से बात तो नहीं करती ना। अब ग्लोरिया एक्सप्लेन करती है कि इमेजिनरी फ्रेंड्स काइंड ऑफ स्पिरिट्स होते हैं जो कि यंग बच्चों से जुड़ जाते हैं। अगर इन स्पिरिट्स को अबैंडन किया गया तो वो सिनिस्टर हो जाते हैं, जैसे जेसिका ने चौंसी को अबैंडन किया था एट द एज ऑफ 5, क्योंकि ऑफ कोर्स जेसिका को घर छोड़ना पड़ा था। तब से चौंसी शायद वही है, वेट कर करके एक बुरी आत्मा बन गया है एंड इट वॉज वेटिंग फॉर जेसिका टू रिटर्न। चौंसी अब एलिस को अपने कब्जे में कर लिया है और उसे नेवर एवर में लेके चला गया है, विच इज अ डिफरेंट रेल्म ऑल टुगेदर। स्पेनिश में स्पिरिट को एल कुको कहते हैं और हर कल्चर में इस स्पिरिट का जिक्र है। ये स्पिरिट बच्चों के इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी पे फीड करती है और जेसिका बचपन में बहुत ज्यादा क्रिएटिव थी। यही वजह है कि चौंसी की भूख भी बहुत ज्यादा है फॉर क्रिएटिविटी एंड दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज हंग्री। अब आइडियली तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो ये स्पिरिट्स उनसे अलग हो जाती है नेचुरली, लेकिन क्योंकि जेसिका इस स्पिरिट को अबैंडन कर दी थी तो चौंसी एकदम वेंजफुल जैसा कुछ हो गया है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि चौंसी को एलिस की क्रिएटिविटी पे फीड करके वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा जो कि उसे कई साल पहले जेसिका से मिला था। एंड इट्स ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल कि ये स्पिरिट एलिस को नेवर एवर में हमेशा के लिए रख लेगा। तो इन बातों को जानने के बाद ग्लोरिया और टेलर जेसिका से मिलकर उसे सब बताती हैं। जेसिका तुरंत डिड्यूस करती है कि स्कैवेंजर हंट वाली लिस्ट काइंड ऑफ सामग्री इकट्ठा करने का जरिया है जिसके थ्रू रिचुअल करके नेवर एवर का डोर ओपन किया जा सकता है। तो इसी लिस्ट का इस्तेमाल करके जेसिका भी सारा सामान इकट्ठा करती है, देन वो
टेलर और ग्लोरिया सारा सामान लेके बेसमेंट में जाते हैं और उसमें आग लगाते हैं, जिससे वाकई में डोर ओपन होता है फॉर नेवर एवर। तीनों फॉरेनर्स डोर के थ्रू नेवर एवर में एंटर करते हैं और डोर बंद न हो जाए इसके लिए वो डोर पे एक सीजर फंसा देते हैं। नाउ फाइनली हम व्यूअर्स इस इमेजिनरी वर्ल्ड को देख पाते हैं जो कि एकदम अजीब सा था। आई मीन यहाँ स्टेयर्स थे, देन चेकर्ड रूम्स थे, प्लेटफॉर्म्स थे वगैरह वगैरह। ग्लोरिया इस जगह पे आके कुछ ज्यादा ही खुश थी, इतना कि मानो उसकी लाइफ का ड्रीम पूरा हुआ हो। इन्हीं चीजों के बारे में तो ग्लोरिया अपने किताब में लिखती थी जिसपे कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन ग्लोरिया वॉज राइट ऑल अलोंग। खैर, टेलर और जेसिका यहाँ एलिस को ढूंढना शुरू करते हैं और एक डोर के थ्रू जेसिका अपना पास्ट देख पाती है, यानी कि उसको पता चलता है कि आखिर उसके साथ बचपन में क्या हुआ था। तो जेसिका जब 5 साल की थी तो वो भी चौंसी की बातों में फंस कर नेवर एवर में आ गई थी और उसके पिता बेन भी नेवर एवर का डोर ओपन कर पाए थे। तभी स्टार्टिंग सीन में हम बेन का टूटा हुआ दांत देखे थे जो कि वो इसलिए निकाले होंगे क्योंकि लिस्ट में लिखा था कि कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हें हर्ट हो। अब भले बेन जेसिका को नेवर एवर से बचा के निकाल पाए थे, लेकिन खुद निकलते वक्त वो चौंसी की आंखों में देख लिए थे। बेसिकली ये चौंसी का स्पाइडर वाला वर्जन था और उसकी आंखों में देखने से ये हुआ कि बेन को चौंसी की आत्मा दिखी, विच वॉज कम्बाइंड इमेजिनेशन ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन। यानी बेन पे एक बार में इतना इन्फो डंप हुआ कि बेन की आंखें व्हाइटिश हो गई और वो मेंटली अनस्टेबल हो गए। ये तो गोजो के डोमेन जैसा हो गया। जोक्स अपार्ट, तभी से बेन मेंटली ओके नहीं है और बचपन में इसीलिए जेसिका को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना पड़ा था। इन शॉर्ट, बेन जेसिका को बचाने के लिए अपनी पूरी लाइफ दांव पे लगा दिए थे। अब इस बात का पता लगने के बाद जेसिका वॉज वेरी इमोशनल और इसी मोमेंट का फायदा उठा के ग्लोरिया डोर से सीजर हटा देती है ताकि डोर पूरी तरह से बंद हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ग्लोरिया काइंड ऑफ पागल हो गई थी जिसे नेवर एवर में ही रहना था क्योंकि वो इस जगह से ऑब्सेस्ड हो गई थी। ग्लोरिया का कहना था कि इस जगह पे कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि ये इमेजिनेशन की दुनिया है एंड वी विल ऑलवेज बी हैप्पी हियर। लेकिन तभी चौंसी का बियर वाला फॉर्म ग्लोरिया पे हमला करके उसे मार गिराता है। इसके बाद जेसिका और टेलर संभलते हुए एलिस को ढूंढना शुरू करते हैं और इन्हें यहाँ माल्टीपू डॉग दिखता है, विच वॉज एलिस फेवरेट। दिस मीन्स की एलिस यही कहीं पे आसपास होगी। अब एक पॉइंट पे टेलर जेसिका से अलग हो जाती है और टेलर को चौंसी हॉन्ट करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका उसे जैसे तैसे बचाती है। नाउ फाइनली ये दोनों एलिस को लोकेट कर पाते हैं और ये पाते हैं कि एलिस यहाँ काफी खुश है क्योंकि उसकी सारी इच्छा पूरी हो रही थी। इनफैक्ट ये एंटिटी एलिस के लिए उसकी पहली वाली मॉम समांथा की एक नकली कॉपी भी बना दी थी। देन ये एंटिटी उसे गिफ्ट्स दे रहा था, फिर उसे पुराने वाले घर के इमेजिनेशन में रखा था। अब बेसिकली वो सब कुछ जो एलिस को चाहिए था। एलिस यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तभी जेसिका कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट वाले सामान का इस्तेमाल करके वही कमरे में ब्लू डोर बनाती है। इस डोर को देख के एलिस को भी लगता है कि शायद उसे अब यहाँ से जाना चाहिए फॉर सम रीजन, और ये डोर डायरेक्टली नेवर एवर के उस जगह पे निकलता था जहाँ से कुछ ही दूरी पे वो डोर था जो कि जेसिका के बेसमेंट से कनेक्ट होता था। बस फिर क्या था, टेलर जेसिका और एलिस इस डोर से होते हुए निकलते हैं और इन्हें रोकने के लिए समांथा अजीब रूप में आ गई थी। इनफैक्ट चौंसी भी अभी जेसिका पे हमला करता है, लेकिन जेसिका एक कैंची से उस पे हमला करती है, देन उसी कैंची से बेसमेंट वाला डोर खोलती है एंड फाइनली बाहर निकल पाती है। इस पॉइंट पे हम भी उसको लगता है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर, यहाँ सीन कट होता है और हम जेसिका को अपने डैड वाले असिस्टेड लिविंग प्लेस पे देखते हैं जहाँ वो अपने डैड के लिए अपनी न्यू चिल्ड्रन स्टोरी पढ़ रही थी। यहाँ जेसिका के साथ मैक्स, एलिस और टेलर भी थे एंड एवरीवन वाज हैप्पी। तभी जेसिका नोटिस करती है कि एलिस के हाथ पे बर्न मार्क्स नहीं थे, यानी दिस इज नॉट रियल। फिर एकदम से मैक्स, एलिस, टेलर और बेन की आंखें बड़ी हो जाती है और पूरा माहौल बदल जाता है। दरअसल यहाँ हुआ ये था कि जेसिका नेवर एवर से नहीं निकल पाई थी और चौंसी उसे इमेजिनेशन करवा के चीजें दिखाने लग गया था ताकि जेसिका को लगे कि वो हैप्पी लाइफ जी रही है आउटसाइड इन रियल वर्ल्ड। लेकिन जेसिका एलिस के परफेक्ट हैंड को देख के सब समझ गई, क्योंकि रियलिटी में चीजें परफेक्ट नहीं होती, जैसे एलिस का एक हैंड बर्नड है इन रियलिटी। खैर, यहाँ हम जान पाते हैं कि चौंसी को एक्चुअली जेसिका ही चाहिए थी, एलिस तो बस एक बेट थी। क्यों? क्योंकि जेसिका की क्रिएटिविटी से ही चौंसी की भूख मिटेगी और जेसिका ही चौंसी को अबैंडन करी थी ना। यहाँ चौंसी की स्पिरिट जो कि फिलहाल मैक्स, टेलर, एलिस और बेन के फॉर्म में थी, वो जेसिका को वॉर्न करती है कि अगर जेसिका नेवर एवर से जानने की कोशिश करी तो ये स्पिरिट उसके फैमिली के पीछे पड़ जाएगी। तभी एकदम से यहाँ रियल टेलर आती है जो कि इन चौंसी के रूप पे अटैक करके जेसिका को बचा के भगाती है। ये दोनों फाइनली नेवर एवर का डोर खोल के
बेसमेंट में पहुंचते हैं, लेकिन चौंसी भी स्पाइडर वाले फॉर्म में इनके पीछे आ गया था। चौंसी यहाँ अपनी आईज दिखाता है, जिसे देख जेसिका और टेलर ट्रांस में जाने लगते हैं, यानी इनका हस्त्र भी बेन वाला हो जाता। लेकिन यहाँ एलिस बहादुरी दिखाती है और वो अपने आग वाले फियर पे काबू पाते हुए चौंसी में आग लगा देती है। अब चौंसी के जलते उस जगह पे आग फैल जाती है, क्योंकि ये लोग डोर सील करने के लिए टार और ऐसे फ्लेमेबल लिक्विड वहां गिरा दिए थे। जेसिका, टेलर और एलिस तुरंत घर से बाहर निकलते हैं और इनकी आंखों के सामने पूरा घर जल जाता है। अब भले घर जल गया हो, लेकिन जेसिका वॉज हैप्पी कि वो बच गई, साथ ही टेलर और एलिस भी बच गए थे और ये फैमिली अब काफी क्लोज भी आ गई थी। तो इसके बाद ये तीनों एक होटल में जाते हैं, जहाँ एक बच्चा अपने बियर के साथ खेल रहा था। ये देखते तीनों डिसाइड करते हैं कि वो दूसरा होटल लेंगे, विच वॉज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव इन हॉरर मूवी हिस्ट्री। जब ये तीनों जा रहे थे तो हम टेडी बियर को देख भी पाते हैं, एंड यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म इमेजिनरी की कहानी, और फिल्म की कहानी काफी सिंपल है, जहाँ बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड्स को एज स्पिरिट्स बताया गया है। ये स्पिरिट्स बच्चों के क्रिएटिविटी पे फीड करती है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ये स्पिरिट्स उनसे नेचुरली दूर हो जाती है। अब क्योंकि जेसिका के केस में जेसिका एकदम से चौंसी को अबैंडन कर दी थी, तो चौंसी का भूख नहीं मिटा था, और चौंसी एक बुरा स्पिरिट बन गया, जिसका एम था जेसिका को नेवर एवर में हमेशा के लिए रखना। बट फिल्म खत्म होने होने तक जेसिका ना सिर्फ खुद को बचाई, बल्कि वो टेलर, एलिस और अपनी पूरी फैमिली को ही बचा ली। अब फिल्म के एंड में हम फिर से एक बच्चे के पास टेडी बियर देख पाते हैं, एंड दिस डिपिक्ट्स कि कैसे ज्यादातर बच्चे इन इमेजिनरी स्पिरिट से कनेक्टेड हैं, और सबका अपना एक नेवर एवर है। बेसिकली सभी बच्चे की अपनी एक इमेजिनरी स्पिरिट होती है, और सब चौंसी नहीं है, कुछ रैंडी रैबिट भी हो सकते हैं, एंड मेनी मोर, बट द इंटायर कॉन्सेप्ट फॉर दीज स्पिरिट्स आर द सेम। अब बात रहेगी, क्या चौंसी खत्म हो गया? वेल, मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि जेसिका को भी अपने बचपन के इंसिडेंट्स को लेके क्लोजर मिल गया है, और देखा जाए तो वो घर भी बर्बाद हो गया है जिसमें चौंसी था। सो दिस डिपिक्ट्स कि चौंसी का वाकई दी एंड हो गया है, और यहाँ चौंसी कहीं ना कहीं जेसिका की उन फीलिंग्स को भी दर्शाता है जिन्हें कभी क्लोजर नहीं मिल पाया था। एक तरह से हम पूरी फिल्म को मेटाफर भी मान सकते हैं लोगों के अपने ट्रॉमा को लेके, और जैसे जैसे लोग ट्रॉमा से ऊपर आते हैं, वो बचपन को पीछे छोड़ देते हैं, एडल्टहुड में घुस जाते हैं, एंड दैट इज हाउ थिंग्स बिकम बेटर। अगर आप देखें तो जेसिका को हमेशा बचपन के वो सपने आते थे अपने डैड वाले, तो हाँ, वो कहीं ना कहीं ट्रॉमा से निकल नहीं पाई थी, उसे क्लोजर नहीं मिला था, तो वही फियर एंड नॉन क्लोजर उसके लाइफ का चौंसी था। लेकिन जब जेसिका उससे उबर पाई, उसकी रियलिटी को जान पाई, तो चौंसी भी एक तरह से खत्म ही हो गया। सो यस, वी कैन से कि मूवी के अंत तक सब ओके है, चाहे वो जेसिका की खुद की फीलिंग्स हो टुवर्ड्स हर डैड, देन उसके रिलेशनशिप हो विद एलिसन टेलर या कुछ और। सो फाइनली वी कैन से कि चौंसी इज गॉन फॉर गुड, एट लीस्ट दैट्स व्हाट आई होप। अब भले चौंसी चला गया है, लेकिन दुनिया में कई बच्चे हैं, सबके साथ एक स्पिरिट से या फिर हम कह सकते हैं सबके पास अपनी एक उम्मीद है, होप है, थॉट्स है, एंड उनका एक ट्रॉमा है, तो कहीं ना कहीं सारी स्पिरिट्स अब भी हैं। तो अगर मेकर्स चाहे तो इस फिल्म को दूसरे कैरेक्टर्स के साथ बना सकते हैं, जहां पे पुराने कैरेक्टर्स भी होंगे टू सपोर्ट, एंड एवरीथिंग कैन गो इन अ वे दे वांटेड टू। ये सब बकवास मैं इसलिए कर रहा है क्योंकि भले चौंसी खत्म हो गया है, लेकिन चौंसी ऐसी स्पिरिट्स अब भी है, तो फिल्म की सीक्वल आ सकती है, यही पॉइंट था मेरा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।